गुजरात चुनाव में आज बीजेपी का प्रचार धुआंधार, आज 4 जनसभाओं को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा शाह भी संभालेंगे कमान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 78वां दिन आज, पति रॉबर्ट और बेटे संग शामिल हुई प्रियंका गांधी, कांग्रेस समर्थकों के साथ खंडवा के बोरगांव से पैदल मार्च की शुरुआत की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हासिल की एक और बड़ी कामयाबी, साउंडिंग रॉकेट RH-200 का लगातार 200 माह सफल प्रक्षेपण। कई कामों में होता है साउंडिंग रॉकेट का इस्तेमाल, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी के मामलों में जानकारी हासिल करने में बनता है मददगार। भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का किया सफल परीक्षण, 3,500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता है इसमें। श्रद्धा मर्डर केस में आज हो सकता है आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान मौजूद रहेंगे 4 से 5 लोग, एक अफसर करेगा सवाल, एक अफसर दर्ज करेगा रिकॉर्ड। सेहत नहीं रहने की वजह से बुधवार को नहीं हो सका टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को की तैयारी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में साजिश की उड़ान, विजयपुर इलाके में ड्रोन से गिरे पैकेट से कैश पिस्टल भी बरामद, पूरे इलाके को किया गया सील, बम निरोधक दस्ता पहुंचा मौके पर। दक्षिण कश्मीर में जांच एजेंसियों की छापेमारी, आतंकी हमले को लेकर तलाशी, शोपियां, अनंतनाग और बांदीपुरा में छापेमारी, DDC के सदस्यों के घर की भी तलाशी। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में सर्दी का असर, दिल्ली में बीते 2 दिन से न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। जेट एयरवेज की मुश्किलें नहीं हो रही कम, कंपनी के गुरुग्राम और मुंबई के एविएशन सेफ्टी ट्रेनिंग फैसिलिटी की मान्यता ले ली गई वापस। 2 तिहाई की छंटनी के बाद कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने कहा, ट्विटर में अब नहीं होगी छंटनी, इंजीनियरिंग और सेल्स में होगी भर्तियां। फ्यूचर रिटेल के अधिग्रहण के लिए लगी होड़, मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल और अडानी की कंपनी दौड़ में शामिल। लैपटॉप कंपनी HP करेगी 6,000 कर्मचारियों की छंटनी, कंपनी की सेल्स में गिरावट और महंगाई के चलते लिया फैसला। भारत की पहली गियर इलेक्ट्रिक मोटर बाइक Matter 07 हुई लॉन्च, 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ सिंगल चार्ज में बाइक 125 से 150 किलोमीटर तक चलेगी। फीफा वर्ल्ड कप में एक बार फिर बड़ा उलटफेर, जापान ने 4 बार के चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया और मोरक्को के बीच बिना गोल के मैच हुआ ड्रॉ, दोनों ही टीमों ने गोल करने की बहुत कोशिश की लेकिन किसी भी टीम को सफलता नहीं मिली, ड्रॉ के बाद टीमों ने आपस में बांटे पॉइंट्स। आज खेले जाएंगे 3 मुकाबले, स्विट्जरलैंड से होगी कैमरून की टक्कर तो यूरुग्वे और दक्षिण कोरिया होंगे आमने सामने, 9:30 पुर्तगाल और घाना के बीच भी होगी भिड़ंत। कल से शुरू होगी भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचेस की सीरीज, ऑकलैंड में खेला जाएगा पहला मुकाबला, भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा मैच, शिखर धवन करेंगे टीम की कप्तानी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज 1-0 से जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद, वनडे सीरीज में जीत के इरादे से उतरेगी टीम, हार्दिक को आराम, ऋषभ बने टीम के उपकप्तान। राजधानी कीव में रूस रिहायशी इलाकों को बना रहा अपना निशाना, रूसी अटैक में 3 यूक्रेनी नागरिकों की गई जान, चारों तरफ मलबा दिखाई दिया, हमले के बाद दिखा धुएं का गुबार। यूक्रेन में रूस लगातार दाग रहा मिसाइल, राजधानी कीव से 18 किलोमीटर दूर एक शहर में तबाही का मंजर दिखाई दिया, कई बिल्डिंग्स खंडहर में तब्दील हुई। राष्ट्रपति जेलेंस्की की UNSC से अपील, कहा यूक्रेन पीस फॉर्मूले का करे समर्थन, रूस से लड़ने के लिए एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। जाते जाते जनरल कमर जावेद बाजवा ने खोल दी पाकिस्तान की पोल, राजनीति में सेना के हस्तक्षेप को किया स्वीकार, बाजवा ने कहा लेकिन अब सेना ने सियासत में दखल बंद करने का फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की है, निवेश और ग्रीन एनर्जी के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है।